इटावा में फसल की रखवाली करने के लिए खेत पर गए किसान की गोली मारकर हत्या कर दी गई। मृतक के परिजन बिना पुलिस को सूचना दिए शव का दाह संस्कार करने जा रहे थे, तभी पुलिस ने किसान के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। अपर पुलिस अधीक्षक ग्रामीण ओमवीर सिंह ने बताया कि मृतक राजकुमार रोज फसल की रखवाली करने के लिए खेत पर सोया करता था। रोज की भांति वह खेत पर सोया हुआ था। रात में किसी अज्ञात ने उसे गोली मार दी, जिससे उसकी मौत हो गई। मृतक के परिजन बिना पुलिस को सूचना दिए उसे सीएससी चकरनगर ले गए थे, जहां उसे डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया था, जिसके बाद परिजन उसके शव का दाह संस्कार करने के लिए ले जा रहे थे। तभी सूचना मिलने पर पुलिस ने मृतक के शव को अपने कब्जे में ले लिया और पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। मृतक के परिजनों की तरफ से अभी तक कोई तहरीर नहीं मिली है। सीओ भरतना और इंस्पेक्टर सैसो के द्वारा घटना स्थल का बारीकी से निरीक्षण किया जा रहा है। अब घटना नहीं अपन बता सका, गैया रखा हुए का खेत पर सोते थे। अब भाई घटना में से क्या घटना बनी हुई अपन नहीं बता सकते। आप लोगों को कितने बजे जानकारी? अपन अब हमने आए फूसी पासी तो बता रहे 5 बजे, जब 4 बजे आते थे रोजी ना, नहीं आए तो मोड़ा गाँव खेत पे, तो ये मरे पड़े मिले, थोड़ी बहुत सांस चल रही थी। तो जिस तरीके से खेत में ये गाय वगैरह आ रही हैं बार बार, उनकी घटनाएं घट रही हैं, सरकार से आप क्या चाहते हैं? सरकार से चाहते, अगर गाय नहीं हो तो ये घटना बहुत कम से कम हो ही नहीं। फिर सरकार फेल नजर आ रही है? हाँ है ही सरकार फेल, बताएं क्या बताएं। मेरे द्वारा अस्पताल में डेड बॉडी का भी निरीक्षण किया गया, इसके बाद यहाँ पे घटना स्थल पे भी निरीक्षण किया गया है, हमारी फॉरेंसिक टीम भी आई हुई है। परिजन अभी कुछ बताने की स्थिति में नहीं है, लेकिन गांव वालों से जो बातचीत करके ये जानकारी हुई है कि इसकी कोई रंजिश नहीं थी और सामान्य रूप से ये अपने खेत पे अपने घर में एक राइफल थी। इनके बताया गया है कि बड़े भाई के नाम से लाइसेंस है, उसको लेकर यहाँ खेत पे आया करता था चौकीदारी के लिए कि कोई नुकसान ना हो। यहीं इसके गोली लगी है अभी, क्योंकि परिजन कुछ भी बताने की स्थिति में नहीं है और पुलिस अपने हिसाब से, हमने इंस्पेक्टर चकरनगर, सहसो पुलिस और सीओ भरतना, इनके नेतृत्व में 3 टीम बनाई गई हैं जो लोगों से बात कर रही है। जल्दी इसका पूरी घटना का पर्दाफाश होगा। परिजनों से भी कहा गया है कि इस संबंध में जो भी तथ्य हैं उन्हें अंकित करते हुए FIR शीघ्र कराएं।